नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश में मोटर ड्राइविंग के नियम सभी जगहों पर समान है, लेकिन कुछ राज्यों ने नियमों में छूट भी दे रखी है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में परिवहन विभाग की ओर से वक्त वक्त पर नए नए दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं या फिर अपने पुराने लाइसेंस को रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो उससे पहले हमारी ये खबर सुन लीजिए, क्योंकि ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए अब नजदीकी RTO ऑफिस जाकर प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हाल ही में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में कितने बदलाव किए गए हैं। ये लाइसेंस आपको पहले 3 साल के लिए दिए जाते था, लेकिन अब इसकी वैधता अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब हैवी लाइसेंस की वैधता 5 साल की कर दी गई है। रिन्यूअल के लिए आपको किसी भी दूसरे अन्य दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी। आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और उसके साथ ही ओरिजिनल लाइसेंस होना चाहिए। शुल्क भुगतान और DTO से मार्क करवाने के बाद फोटो और हस्ताक्षर होते हैं, लाइसेंस उसी दिन रिन्यू हो जाता है। लाइसेंस की कॉपी RTO ऑफिस में जल्द ही उपलब्ध हो जाती है। राज्य और केंद्र सरकार की नौकरियों में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की खास सुविधा दी जाती है। भारी वाहन चालक लाइसेंस के लिए सरकारी नौकरियों में अतिरिक्त नंबर भी दिए जाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस को परिवहन कार्यालय की ओर से भेजा जाता है, जिन्हें बंद कर दिया गया है। उसके बाद डाक की ओर से दिए गए पते पर ना पहुंचने की समस्या और बढ़ती शिकायतों के चलते ऑफिस में ही उपलब्ध करवाने की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसके साथ ही कमर्शियल लाइसेंस में अब बदलाव कर दिए गए हैं। जिन वाहन चालकों के पास कमर्शियल लाइसेंस थे, वे अब उसका नवीनीकरण कमर्शियल में नहीं करवा पाएंगे। अगर नवीनीकरण करवाते हैं तो लाइसेंस LMV नॉर्मल ही मिलेगा। कमर्शियल लाइसेंस के लिए हैवी कमर्शियल ही करवाना होगा, लेकिन कमर्शियल लाइसेंस का नवीनीकरण होगा, लेकिन उसी के साथ आपको कमर्शियल नहीं बल्कि LMV का सिंपल लाइसेंस मिलेगा। तो वहीं LMV ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने के 1 साल बाद ही हैवी कमर्शियल लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार के नए नियमों के मुताबिक ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी चलाने के लिए कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा खाने पीने की चीजों की डिलीवरी करने के लिए 2 पहिया चलाने वालों को भी अब निजी ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए अपना काम कर सकते हैं। दरअसल सरकार ने इन सेवाओं के लिए कमर्शियल लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म कर दी है, यानी कि अब आप इन वाहनों को अपनी निजी लाइसेंस के जरिए भी चला सकेंगे। तो आपकी इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।